कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है और इसका उपयोग कंप्यूटर पर कैसे करते हैं और किन बटन का क्या नाम है आज के इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जिसका हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है और कीबोर्ड की सहायता से ही हम लोग कंप्यूटर पर इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं, मतलब निर्देश दे पाते हैं और इसका सबसे ज्यादा यूज टेक्स्ट टाइप करने के लिए होता है। यानी कंप्यूटर पर कुछ भी लिखना होगा तो ज्यादातर हम लोग कीबोर्ड डिवाइस का यूज करते हैं। अभी आपके सामने जो कीबोर्ड का लेआउट देख पा रहे होंगे यह सबसे ज्यादा प्रचलित और उपयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट है, ठीक है। इसे पूरे दुनिया भर में अपनाया गया है और आधुनिक कंप्यूटर में कीबोर्ड इसी लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है और इसी कीबोर्ड लेआउट को कुछ कीपैड में बांटा गया है। जैसे आपका सबसे ऊपर वाला जो देख पा रहे होंगे ये F1 से लेके F12 तक, इसको हम लोग फंक्शन कीबोर्ड यानी F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे करके जो 12 तक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। और फंक्शन की का जो उपयोग होता है, इस बटन का जो यूज होता है विशेष कार्य को करने के लिए होता है। यानी कि अगर कंप्यूटर पर कुछ स्पेशल काम करना होता है तो उसके लिए हम लोग फंक्शन की का यूज करते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि बटन का जो भी यूज हो वो अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम करता है। यानी कहने का मतलब टैली पर अलग काम करता है तो यही चीज आपका ऑफिस पर अलग काम करता है, इसलिए अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग बटन का रोल होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो आप देख पा रहे F1 से F12 तक इसको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टाइपिंग की, ठीक है, जिसके आपको पता होगा कि कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं, जैसे कि हिंदी टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, जिसमें टाइपिंग के लिए A से लेकर Z का जो लेटर होता है, जो आपको पता होगा अल्फाबेटिकल बोलते हैं, तो यानी कहने का मतलब है कि अल्फा यानी A से लेकर Z तक ये अल्फाबेटिकल में आता है, जिसको हम लोग अल्फा कीज भी कहते हैं। और इसके अलावा 1 से लेकर 9 तक का जो 1 से लेकर 9, इसके अलावा 0, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ये आपका न्यूमरिक कीज है और ये दोनों मिला के आपका बनता है अल्फा न्यूमरिक कीज, ठीक है। और टाइपिंग करने के लिए इन्हीं अल्फा न्यूमरिक कीज का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होगा तो A से लेके Z तक यानी इस 3 रो का यूज करेंगे, जिसमें Q W E R वाला लाइन आपका टॉप रो कहलाता है, ASDA होम रो और ZXCV बॉटम रो। और इसके अलावा नंबर जरूरत पड़ा तो आप 1 से लेके 0 तक आप नंबर टाइप कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इन सब कीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमरिक कीज, और टाइपिंग के लिए जो है हम कीज का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ सिंबल भी दिखे, अभी आप देख रहे होंगे 1 से लेके 0 तक यानी ऊपर वाला जो नंबर वाला जो रो है, इस रो में आपका नंबर भी दिखाई दे रहा है और कुछ स्पेशल सिंबल भी दिखाई दे रहा है। तो ये नहीं, नॉर्मली जब आप टाइप करेंगे तो नंबर आता है और जैसे ही शिफ्ट के साथ अगर इन सबको टाइप करेंगे तो स्पेशल सिंबल मिलेगा। यानी ये वाला आपका टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है, ये वाला आपका फंक्शन की है जिसका स्पेशल कार्ड्स के लिए उपयोग किया जाता है। और टाइपिंग के दौरान और भी कुछ कीज है, जैसे ये बैक स्पेस बटन है, इसका उपयोग मिटाने के लिए होगा। अगर कंप्यूटर पर कुछ गलत टाइप कर दिए तो बैक स्पेस से मिटाया जाता है। इसके अलावा आपका ये इंटर बटन, इंटर बटन का काम क्या है, जब आप टाइप कर रहे हो तो इंटर का काम लाइन चेंज करना होता है, लाइन बदलना होता है, और कई जगह पे इंटर ओके का भी काम करता है। और इसके अलावा ये आपका स्पेस बटन है, स्पेस बटन आपको पता है जब कुछ लिखेंगे तो बीच में जगह देने के लिए हम लोग स्पेस बटन का यूज करते हैं। बीच में जगह देने मतलब कि जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर ये लिखे तो कंप्यूटर और इज के बीच में आप स्पेस देंगे, उसके लिए स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। टाइपिंग के लिए आप बैक स्पेस मिटाने के लिए, इंटर से लाइन बदलने के लिए होता है, और स्पेस से टेक्स्ट के बीच में जगह देना होता है। इसके अलावा आपका कंट्रोल कीज, कंट्रोल कीज में आप यहां से आप कंट्रोल की को ले सकते हैं, अल्ट की को ले सकते हैं, विंडोज ले सकते हैं, इसके अलावा आप स्केप ले सकते हैं, और इसके बाद आप यहां से शिफ्ट ले सकते हैं। ये सब जितने भी हैं ये आपका कंट्रोल कीज में आते हैं। अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए
तो जैसे आप अल्ट इधर भी है, विंडोज भी है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, जो भी हो, ये शिफ्ट कंट्रोल अल्ट भले राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, ये सभी कीज कंट्रोल कीज में आता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी है, जैसे आप यहाँ से देख पा रहे हैं स्क्रॉल कीज, पाउज ब्रेक, इसके अलावा आपका प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, ये सब सभी कीज किस में आता है, कंट्रोल कीज में आता है, भले यूजेस अलग अलग है, उपयोग अलग है, लेकिन कंट्रोल कीज में आता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि कंट्रोल अल्ट ये सब मॉडिफायर की में आते हैं, यानी जब भी आप इसको प्रेस करेंगे अकेले कोई काम नहीं करता, जब भी कोई काम करेगा किसी दूसरे बटन के साथ मिलके काम करता है। जैसे आपको पता है कि सेव करना हो तो आप यहां से कंट्रोल टाइप करके आप यहां से एस टाइप करें, तो कंट्रोल के साथ एस हुआ, यानी क्या हुआ, कंट्रोल अकेले काम नहीं किया, जैसे इसके साथ एस लिए तो वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये टाइपिंग के दौरान आपको पता होगा कि जब लेफ्ट साइड का कोई लेटर टाइप करना होता है तो राइट साइड का हम लोग शिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है, और राइट साइड का कोई लेटर टाइप करना होता है तो हम लेफ्ट साइड का शिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कैपिटल लिखना होगा तो शिफ्ट के साथ आप लेटर टाइप करते हैं, और हिंदी टाइपिंग कृति देव फॉन्ट पर कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ जब टाइप करते हैं तो लेटर को आधा करता है, ये अगर मंगल इन स्क्रिप्ट पे करते हैं आप तो शिफ्ट क्या करता है, उसका अगला क्रम लाता है, यानी शिफ्ट आप जरूरत के अनुसार इसका भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी। इसके अलावा आपका आता है नेविगेशन की, नेविगेशन की में सबसे पहले तो आप इन चार एरो की को देख लीजिए, जो कि ये वाला आपका अप एरो की है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं, मतलब अगर टॉप साइड मूव करना होगा तो अप एरो की, डाउन साइड मूव करना होगा तो डाउन एरो की, राइट साइड मूव करना हो तो राइट एरो की, और लेफ्ट साइड मूव करना होगा तो लेफ्ट एरो की, यानी इसके जरिए कर्सर को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप कुछ भी टाइप वगैरह करना है या जो भी वर्क करना है आप कर सकते हैं, ये नेविगेशन की में आता है। और इसके अलावा ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, ये भी आपका क्या होता है, नेविगेशन की में आता है, जिससे आपको पता है होम और एंड से, होम से क्या होता है कि कर्सर आपका लाइन का फर्स्ट में आ जाता है, शुरुआत में चला जाता है, और एंड से जो है लाइन की लास्ट में यानी अंत में चला जाता है आपका कर्सर। पेज अप, पेज डाउन, पेज ऊपर और पेज नीचे, ठीक है। और इंसर्ट और डिलीट, डिलीट तो आप समझते ही होंगे डिलीट करने के लिए होता है, अगर कंप्यूटर में कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना होगा तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डिलीट बटन का यूज करते हैं। एक और बात, जैसे आप कुछ टाइप करते होंगे तो कर्सर देखते होंगे यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो जैसे अगर बैक स्पेस का यूज करते हैं, अगर आप ये बैक स्पेस का यूज करते हैं तो बैक स्पेस से लेफ्ट साइड का एरिया आपका डिलीट होता है, यानी लेफ्ट साइड का टेक्स्ट डिलीट होता है, और अगर आप डिलीट प्रेस करते हैं तो राइट साइड का टेक्स्ट आपका डिलीट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से रोहन लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से रोहन टाइप किए, और कर्सर अगर यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और अगर आप बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो आपका एस डिलीट होगा, यानी एच मिट जाएगा, और अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ए मिट जाएगा, यानी डिलीट बटन से राइट साइड वाला कंटेंट डिलीट होता है और बैक स्पेस से लेफ्ट वाला डिलीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर की। अब इंडिकेटर की में क्या क्या आता है, तो जैसे आप यहाँ पर ये नमलॉक देख रहे होंगे, ठीक है, ये नमलॉक होता क्या है कि बहुत सारे कीबोर्ड में आप देख रहे होंगे कि नमलॉक का एक बल्ब जलता है, कैप्स लॉक का एक बल्ब जलता है, एक स्क्रॉल लॉक का एक बल्ब जलता है, हालांकि बटन है यहाँ पर भी, आप यहाँ नमलॉक का है, यहाँ पर स्क्रॉल लॉक है, ठीक है, एक कैप्स लॉक का बटन होता है। तो देखिए होता क्या है, ये जो सबसे पहला वाला जो नमलॉक होता है ना, इसका काम क्या है कि अगर ये बल्ब जल रहा है यानी ऑन है तो इसका मतलब ये वाला सारा ना न्यूमरिक कीपैड कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरिक कीपैड, कैलकुलेटर स्टाइल में ये नंबर आपका सजाया हुआ रहता है। तो जैसे अगर आप ये कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, जैसे कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो ये बीच वाला बल्ब जलता है, ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब सारा लेटर कैपिटल में टाइप हो। अगर आप यहाँ से कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा, और बल्ब बंद होने का मतलब जो भी कुछ टाइप होगा वो सारा आपका स्मॉल लेटर में टाइप होगा। लेकिन शुरुआत जो नमलॉक वाला है, इससे ये पता चल रहा है कि सबसे पहले कीबोर्ड अगर कनेक्ट है तो इसमें लाइन आएगा,
इससे ये पता चलता है। दूसरा, अगर इस न्यूमेरिक कीपैड का यूज करना होगा तो इस बल्ब को ऑन रखना पड़ेगा, और इसको ऑन रखने के लिए इस नमलो को प्रेस कीजिए, यानी ऑन करना है तो इसी नमलो को प्रेस करना, ऑफ करना है तो इसी नमलो को प्रेस करना है, ठीक है। यानी इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर ये ऑन रहेगा तो ये नंबर आप टाइप कर सकेंगे, और अगर ऑफ रहा तो ये नंबर टाइप नहीं होगा, फिर नंबर टाइप करने के लिए आप न्यूमेरिक ये वाला का यूज करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिक रो का। और इसके अलावा तीसरा जो होता है वो स्क्रॉल करने के लिए होता है, ठीक है। इसका स्क्रॉलिंग का जो है ना इंस्ट्रक्शन बताता है, संकेत देता है हमको कि ये स्क्रॉल अभी आप कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिक कीपैड, ये तो आपको बता ही दिए कि न्यूमेरिक, इसको कैलकुलेटर की भी कह सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर के समान ही इसमें दिखाई देता है, ठीक है। और इसका भी उपयोग नंबर लिखने के लिए होता है। इसके बाद आपका आता है यहाँ से टैब की। टैब की का काम क्या होता है कि जैसे आप स्पेस देते हैं, स्पेस देने के लिए तो स्पेस की का यूज करते हैं, लेकिन स्पेस से क्या होता है कि एक ही कॉलम आपका जो है स्पेस जाता है, लेकिन अगर कई इंचेज के अनुसार अगर आपको देना होता है तो उसके लिए हम टैब का यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इंच का जो यूनिट होता है उस पर, ठीक है। कभी एक इंच दो इंच स्पेस देना है तो टैब के अनुसार आप स्पेस दे सकते हैं। इसके अलावा कैप्स लॉक तो बता दिया गया, कैप्स लॉक अगर ऑन रहेगा ये बीच वाला बल्ब जलेगा, बल्ब जलने का मतलब जो भी कुछ लेटर दिखाई दे रहा है वो सारा कैपिटल में टाइप होगा, यानी अगर कैपिटल में तो कैपिटल में टाइप होगा। फिर अगर स्मॉल करना होगा तो कैप्स लॉक को ऑफ कर दीजिए, ठीक है, ये बल्ब बंद हो जाएगा, अब जो भी कुछ टाइप होगा वो सब आपका स्मॉल लेटर। शिफ्ट का टाइपिंग के दौरान यूज करने के लिए, शिफ्ट आप लेफ्ट वाला भी यूज कर सकते हैं और राइट वाला भी यूज कर सकते हैं। जब लेफ्ट वाला राइट लेटर को टाइप करना है तो राइट शिफ्ट प्रेस करेंगे, वो भी लिटिल फिंगर से, और राइट वाला को लेटर टाइप करना है तो लेफ्ट साइड वाला शिफ्ट प्रेस करेंगे लिटिल फिंगर से, ठीक है। इंटर बटन लाइन चेंज करने के लिए, बैक स्पेस बटन मिटाने के लिए। एस्केप से क्या होता है कि सामने कोई भी टास्क अगर ओपन किया हुआ है या कुछ भी कोई डायलॉग बॉक्स अगर ओपन किया हो तो जैसे एस्केप बटन प्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ESC का पूरा नाम होता है एस्केप, ESCAPE, ठीक है, एस्केप की से। इसके अलावा कंट्रोल की और अल्ट की क्या बताए, मॉडिफायर की के तौर पे यूज करते हैं। और इसके बाद जो है विंडोज की जो है ये स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि उम्मीद है आप इससे इस कीबोर्ड का जो लेआउट है इसी लेआउट पर हम लोग टाइप करते हैं, और हम ही लोग नहीं पूरा दुनिया अभी इसी कीबोर्ड के लेआउट पर काम कर रही, टाइप कर रही है। तो इसमें किस बटन का क्या काम है आप इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। और दोस्तों इस वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।